After discussing in details about go to statement, then next topic is loops. What is mean by loops? What is the use of loops in C language? Or how many types of loops are available in C? We are discussing one by one. Before starting loops, just loop ko start karne se pehle discuss karenge why we should go for looping statement. What is the use of looping statements? Means loops ko use karne ka just purpose kya hua? Loops are generally considered as reusable statements. What do you mean by reusable property? Let's see this example. Suppose that किसी program के respect में आपके पास अगर group of related statements available हैं, like statement 1, statement 2, statement 3. Throughout this program, continuous form में अगर मुझे same statements अगर 3 time execute कराना, then इस case में इनको write कितनी बार करोगे? 3 times, means 1 first times, then again same statement exactly, S1, S2, by following proper syntax, S3, next one, means this is the second time execution same as, अगर totally 3 times execute करना, then same statement write down करें again, S1, S2, S3 is the third times. इस अगर आपको same statement 3 times execute करना related statements like S1, S2, S3. S1, S2 may be any kind of statement, may be declarative statement, may be executable statements. अगर same statement 3 times execute करना था, इस केस में code कितनी बार repeat होने chances हुए? There are 3 times. इस 3 times तो कोई भी code write करना कोई मुश्किल task नहीं. Suppose that same statement execute कराना 10 times. Then 10 times के केस में same logics कितनी बार repeat होंगे? 10 times. सेम है अगर सेम ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है सेम स्टेटमेंट्स कितनी बार रिपीट होंगे देयर मे बी चांस ऑफ रिपीटिंग 100 टाइम्स सेम है अगर 1000 टाइम एग्जीक्यूट कराना है तो सेम स्टेटमेंट कितनी बार ऐड करोगे 1000 टाइम्स मींस एग्जैक्टली सेम कोड अगर 1000 टाइम राइट करते हैं इस केस में प्रोग्राम का लेंथ भी इंक्रीज होना पॉसिबल होगा मींस प्रीवियस केस में स्टेटमेंट्स मींस टोटल स्टेटमेंट्स कितने 3 अगर 3 स्टेटमेंट्स 1000 टाइम राइट करें देन प्रोग्राम्स के अंदर टोटल लाइंस और टोटल स्टेटमेंट्स कितने होंगे 3000 स्टेटमेंट्स और 3000 लाइंस देन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप यूज क्या करोगे मींस सेम प्रॉब्लम कैन बी रिटन बाय यूजिंग लूप्स लूप्स के केस में सेम स्टेटमेंट 1000 टाइम रिपीट ना करके ओनली 1 टाइम राइट करें ओनली 1 टाइम्स मींस रिपीटेड स्टेटमेंट्स क्या इस केस में S1 S2 S3 प्लस एक कोड प्रोवाइड करेंगे सपोज दैट दिस इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इनसाइड मेन फंक्शंस अगर मोर मींस सेम स्टेटमेंट और रिलेटेड स्टेटमेंट मोर देन 1 टाइम्स और n टाइम्स एग्जीक्यूट करा देन डायरेक्टली प्लेस ना करें सेम स्टेटमेंट प्लेस करें इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट सम लूप्स प्लस लॉजिकली इस लूप का एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराएंगे n टाइम्स मींस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइम्स अगर इस केस में आपको सेम स्टेटमेंट 3 टाइम एग्जीक्यूट कराना देन लॉजिकली इस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराएं 3 टाइम्स अगर सेम स्टेटमेंट 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना देन लॉजिकली सेम लूप का एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराएंगे 100 टाइम्स अगर इस लूप का लॉजिकली एग्जीक्यूशन 100 टाइम परफॉर्म करा देन सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी कितनी बार होंगे आल्सो 100 टाइम्स सेम एज अगर 1000 टाइम एग्जीक्यूट कराना देन लॉजिकली इस लूप को मैनेज करेंगे एज अ 1000 टाइम्स देन इस केस में अगेन सेम स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे 1000 टाइम्स इन दैट केस मींस सेम स्टेटमेंट राइट डाउन कितनी बार की ओनली 1 टाइम्स ओनली 1 टाइम्स इसलिए इस कोड को राइट करने के लिए टोटल स्टेटमेंट्स कितने रिक्वायर्ड ओनली 3 स्टेटमेंट और 3 लाइंस मींस सेम 3 स्टेटमेंट्स सेम कोड मींस अभी भी अगर दोनों के लॉजिकल बिहेवियर की बात करें बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है ओनली डिफरेंस क्या है इस केस में सेम कोड रिपीट किया था 100 टाइम्स 1000 टाइम्स इस केस में सेम कोड कितनी बार राइट डाउन करोगे ओनली 1 टाइम्स लेकिन लॉजिकली एग्जीक्यूशन दोनों केसेस में कितनी बार होगा 1000 टाइम बेस्ड ऑन मैनेजिंग दिस लूप्स लाइक दिस इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट मींस लूप्स को जनरली यूज करने का मेन पर्पस क्या रहेगा achieving code reusabilities or executing same repeated statements by following the property of write once and use n times or execute n times then we are discussing all points related to loops one by one then we are discussing how many types of loops are available or how many implementations are available in loops
फर्स्ट वन, इट इज ऑल्सो नोन एज इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इनको यूज करने का मेन पर्पज क्या है, सेम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम इटरेटेड फॉर्म में, इटरेटिव फॉर्म में एग्जीक्यूट करना, इसलिए इसका अदर टाइप क्या है, ऑल्सो नोन एज इटरेटिव स्टेटमेंट्स और रिपीटेड स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट थिंग्स, सेकेंड पॉइंट, लूप्स आर अल्टरनेटिव ऑफ गो टू स्टेटमेंट बट इज मोर इफिशियंट मोर कन्वीनियंट कंपेयर टू गो टू स्टेटमेंट। मीन जस्ट इस लूप से पहले मैंने डिस्कस किया था अबाउट गो टू स्टेटमेंट्स। गो टू स्टेटमेंट्स के थ्रू भी सेम लॉजिक्स मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना पॉसिबल लाइक अ लूपिंग मैनर्स, बट डिफरेंस इज दैट गो टू इज नॉट सजेस्टेड बिकॉज इट ब्रेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स गो टू के प्लेसेस पर यूज क्या करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट्स, जबकि दोनों का ऑलमोस्ट पर्पज कैसा, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट मोर देन वंस देन यू शुड गो फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लूप। देन इट प्रोवाइड्स कोड रियूजेबिलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लूप, इट प्रोवाइड्स कोड रियूजेबिलिटीज। मीन्स कोड रियूजेबिलिटी का मीनिंग क्या है, राइट वंस एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स। मीन्स कोई भी कोड सिंगल टाइम राइट करके देन एन टाइम्स और मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना पॉसिबल, इस प्रॉपर्टी को नेम देंगे जनरली कोड रियूजेबिलिटीज। कोड रियूजेबिलिटी सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स के थ्रू भी अचीव करना पॉसिबल और फंक्शंस के थ्रू भी अचीव करना पॉसिबल। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, लूप्स के केसेस में कोई भी कोड ओनली विद इन अ सिंगल प्लेस यूज करना पॉसिबल है, अगर आपको सेम कोड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर यूज करना देन यूज करेंगे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स। फंक्शंस बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, इट फॉलोज प्रॉपर्टी लाइक राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एन टाइम्स, ऑलमोस्ट सेम केस। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर अवेलेबल इन सी, बेस्ड ऑन कंडीशन टेस्टिंग लूप्स आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन कंडीशन टेस्टिंग, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स। एक जनरल सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लूप्स और इफ स्टेटमेंट। इफ के केस में जनरली कोड प्रोवाइड किया था लाइक स्टेटमेंट एस जीरो देन इफ देन कंडीशन टेस्टिंग, इसमें जनरली इस केस में कंपेयर कर रहा हूँ लूपिंग विद इफ स्टेटमेंट। देन सम स्टेटमेंट्स लाइक एस वन एस टू एंड सो ऑन एंड फाइनली एस थ्री। अगर इस केस में फ्लोचार्ट डायग्राम कंप्लीट करना है, इसका इक्वेलेंट फ्लोचार्ट डायग्राम क्या था, ऑलरेडी प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। सबसे पहले चांस प्रोवाइड हुआ टू द स्टेटमेंट एस जीरो, नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, देन नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग। कंडीशंस के केस में पॉसिबल केस कितने होंगे, टू, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है देन चांस केस को प्रोवाइड होगा एस वन एंड एस टू। दूसरा अदर पॉसिबल केस क्या हुआ, कंडीशन ट्रू देन एस वन एस टू और एस टू के बाद चांस किसको मिलेगा, एस थ्री, मीन्स दैट वन स्टेटमेंट एस थ्री। बट सपोज दैट इफ कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, मीन्स इस केस में एग्जीक्यूशन किसका डायरेक्टली एस थ्री इन केस ऑफ फॉल्स एसन। दिस इज द फ्लोचार्ट डायग्राम रिस्पेक्ट टू इफ कंडीशन, मीन्स इफ के केसेस में अगर कंडीशन ट्रू है देन इसका बॉडी सेशन ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है देन जीरो टाइम्स। ठीक, सेम केस में प्रोवाइड करा विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। सपोज मैं इस केस में लूप यूज कराया जाए व्हाइल लूप और सम लूप्स यानी लूप्स, मीन्स सिंटैक्टिकली यूज कराया जाए व्हाइल देन सम कंडीशन इनसाइड दैट बॉडीज बॉडी सेशन कंटेंस टू स्टेटमेंट एस वन एस टू देन स्टेटमेंट एस एन। व्हाट इज द फ्लोचार्ट डायग्राम फॉर गिवन केस, दोनों ही केस में सोर्स कोड मैंने एग्जैक्टली सेम राइट किया, ओनली इस केस में यूज क्या किया इफ स्टेटमेंट, इस केस में यूज क्या किया व्हाइल मीन्स लूपिंग स्टेटमेंट। और सेकेंड केस में फ्लोचार्ट डायग्राम इंप्लीमेंट करें, अगेन इसका फ्लोचार्ट डायग्राम क्या रहेगा, स्टेटमेंट एस जीरो, मीन्स एस जीरो स्टेटमेंट अनकंडीशनली एग्जीक्यूट हुआ, देन टेस्ट करेंगे कंडीशंस लाइक इफ, देन सेकेंड केस क्या रहेगा कंडीशन टेस्टिंग लाइक इफ स्टेटमेंट। अब कंडीशंस के केस में अगेन पॉसिबल केस कितने, कंडीशन इज आइदर ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, और कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल सेंड करेंगे इनसाइड बॉडी ऑफ दिस लूप। ट्रू होने के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इनसाइड
बॉडी, बॉडी सेशन के केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा, टू द स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू। देन इसके जस्ट बाद प्रीवियस केस में एस वन एस टू को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ था, डायरेक्टली टू द एस थ्री स्टेटमेंट। लेकिन लूप्स के केसेस में अगर कंडीशन ट्रू है, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करने के बाद कभी कंट्रोल डायरेक्टली आउटसाइड बॉडी सेंड करे, कंट्रोल सेंड हुआ, अगेन कंडीशन टेस्टिंग। मीन्स फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन ट्रू है देन कंप्लीटली बॉडी सेशन एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड करें, अगेन टू द कंडीशन टेस्टिंग इज अगेन दैट वन। इस टाइप से कंडीशन या बॉडी सेशन कब तक इटरेट होगा, जब तक कंडीशन ट्रू है। मीन्स इफ के केसेस में बॉडी पार्ट कब तक एग्जीक्यूट हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू है देन ओनली वन टाइम्स। लेकिन इस केस में कंट्रोल कब तक एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, जब तक कंडीशन ट्रू है। देन दूसरा पॉसिबल केस क्या है, व्हेन एवर कंडीशन बिकम फॉल्स, अगर कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल सेंड करेंगे टू द आउटसाइड बॉडी। बॉडी के बाद क्या है, स्टेटमेंट एस एन और समथिंग एस थ्री स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एस थ्री। देन एस थ्री को चांस किस केस में प्रोवाइड हुआ, इफ कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाए, कंट्रोल सेंड हुआ डायरेक्टली टू द एस थ्री स्टेटमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफ और लूपिंग स्टेटमेंट। इफ के केस में कंडीशन ट्रू होने पर इफ के बॉडी पार्ट का एग्जीक्यूशन ओनली वन टाइम पॉसिबल है, जबकि लूप के केस में कंडीशन ट्रू होने के इसमें बॉडी पार्ट कब तक एग्जीक्यूट हो, जब तक कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा देन उसके इसमें एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ये सब लॉजिकली रिक्वायर्ड टाइम इसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट थिंग्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स, लूप्स के केसेस में रिक्वायर्ड क्या है कंडीशंस। जनरल लूप्स को राइट करने के टू सिंटेक्स फॉलो करेंगे, फर्स्ट वन लाइक अ कंडीशन टेस्टिंग सम लूप, देन कंडीशन टेस्टिंग, देन बॉडी एग्जीक्यूशंस। सेकेंड केस में पॉसिबल केस क्या होता है, केस वन, केस वन के केस में पहले कंडीशन टेस्ट हुआ देन कंडीशन का ट्रू है देन बॉडी एग्जीक्यूशन। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, डायरेक्टली बॉडी एग्जीक्यूशन विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन, बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद देन परफॉर्म क्या होगा, लूप्स के केसेस में कंडीशन टेस्टिंग। फाइनली लूप्स के केस में टू टाइप्स के बिहेवियर रिप्रेजेंट होंगे, मीन्स या तो पहले कंडीशन टेस्ट हुआ देन बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, या पहले बॉडी एग्जीक्यूट हुआ देन कंडीशन टेस्ट हुआ। बेस्ड ऑन दिस बिहेवियर लूप्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, बेस्ड ऑन कंडीशन टेस्टिंग लूप्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप्स, इन केस ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर बॉडी एग्जीक्यूशन। मीन्स एंट्री कंट्रोल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पहले कंडीशन टेस्ट होगा, मीन्स फर्स्ट वन सबसे पहले परफॉर्म करा कंडीशन टेस्ट, देन सेकेंड केस में परफॉर्म क्या होगा, बॉडी एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशंस इफ कंडीशन इज ट्रू। सपोज अगर कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा, बॉडी। बट सपोज अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही सप्लाई हुआ फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड होगा, आउटसाइड बॉडी। मीन्स इस केस में लूप कितनी बार इटरेट होगा बॉडी, जीरो टाइम्स। सेकेंड केस क्या है, एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल के केस में इन दिस केस कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर बॉडी एग्जीक्यूशंस। देन प्रैक्टिकली एंट्री कंट्रोल लूप का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म कराएं यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप। इस फोर और वाइल के केसेस में किस टाइप के कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। इसलिए फोर एंड वाइल लूप के केस में पहले कंडीशन टेस्ट होगा देन बॉडी एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वन क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप्स, एग्जिट कंट्रोल लूप्स के केस में पहले बॉडी एग्जीक्यूशन परफॉर्म विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशंस, वन टाइम बॉडी एग्जीक्यूट होने के जैसा देन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, कंडीशन टेस्टिंग। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है देन कंट्रोल सेंड हुआ, अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन। इस तरह से लूप्स कंटिन्यूस फॉर्म में तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है इन केस ऑफ एग्जिट कंट्रोल। इन दिस केस कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर बॉडी एग्जीक्यूशन और बॉडी इज एग्जीक्यूटेड बिफोर कंडीशन टेस्टिंग। सपोज दैट अगर एक कंडीशन फॉल्स है, प्रीवियस केस में कंडीशन फॉल्स था देन इस केस में कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड हुआ था, आउटसाइड बॉडी। देन इस केस में टोटल एग्जीक्यूशन कितनी बार हुआ था, जीरो टाइम्स। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप के केस में सपोज दैट अगर कंडीशन फॉल्स है, स्टिल इस केस में बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हो, मिनिमम वन टाइम्स, क्योंकि वन टाइम बॉडी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट हुआ। मीन्स एग्जिट कंट्रोल लूप में मिनिमम इटरेशंस और मिनिमम एग्जीक्यूशंस कितने पॉसिबल होंगे, वन टाइम्स। और एंट्री कंट्रोल लूप्स के केस में मिनिमम एग्जीक्यूशंस कितनी बार पॉसिबल होगा, जीरो टाइम्स।
एग्जिट कंट्रोल लूप्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल. डू और व्हाइल अपने आप में एक सिंगल लूप है. मींस फाइनली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कितने सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स के रिगार्डिंग में 3-4 व्हाइल एंड डू व्हाइल. देन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वन बाई वन ऑल टाइप्स ऑफ लूप. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप देन while then do while. First of all we are discussing some basic properties about loops like what is mean by initializations, condition testing, body or modification sessions.